साथियों नमस्कार। एक नई पोयम के साथ में टेनिसन की मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो पहली ये है, अब आज बात करेंगे यूलिसेज की। तो यूलिसेज की बात करेंगे, हमने इस पिछले वीडियो में लोटस ईटस की बात की, जो इनएक्टिविटी पोयम थी। यूलिसेज क्या है, एक हमेशा आदमी को कार्य करने के लिए प्रेरित करने आता। तो यूलिसेज इज द टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये सबसे पहले इसकी विधा है, जिन्हें जो है वो ध्यान रखेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और दूसरी चीज ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ये पॉइंट ऐसा है जो आपको मालूम ही होने चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन डांटेज इन्फर्नो। ये जो है इसे जो है डांटे के इन्फर्नो पर निर्धारित है। कैंटो 25-26 पर निर्धारित है। इट इज रिटन इन 1833। इसको 1837 में लिखा गया था एंड पब्लिश्ड इन 1842। 1842 में इसको पब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि 1833 में यूलिसेज को लिखा गया, 1842 में इसका पब्लिकेशन कराया गया। इट रिफ्लेक्ट ए पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। तो ये दर्शाता है कि ज्ञान के प्रति और साहसिक कार्य करने के प्रति एक भावना है, एडवेंचर के प्रति पैशन उसको दर्शाता है। यूलिसेज डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। यूलिसेज अपने जीवन का समय नष्ट नहीं करना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू सीट इडली एट होम। वह घर पर नीरस आलसी बन के नहीं बैठना चाहता है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। ही फील्स दैट ही हैज वेस्टेड टाइम विद हिज एज्ड वाइफ। उसको लगता है कि उसने अपनी बूढ़ी स्त्री के साथ में, जो युद्ध से वापस आने के बाद समय बिताया, वो बेकार कर दिया है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। ही फील्स दैट ही हैज वेस्टेड टाइम। देखो उसको लगता है कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। एंड ही आल्सो थिंक्स दैट ही हैज वेस्टेड टाइम विद हिज वाइफ। वाइफ का नाम भी पेनेलोप एंड अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इथिका। तो जो क्या है, यूलिसेज कहाँ का किंग है, इथिका का राजा है। तो वो सोचता है कि यहाँ के असभ्य लोगों के साथ में उसने अपने समय को बर्बाद किया है। ही गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथिका टू हिज टेलीमेकस। ये ध्यान रखेंगे, वो अपने पुत्र टेलीमेकस को इसकी जिम्मेदारी देती है, इथिका का राज सौंप देता है। हु इज फिट फॉर रूलिंग ओवर द सेवेज पीपल। जो असभ्य लोगों के ऊपर शासन करने के लिए उपयुक्त है। ही लीव्स होम विद हिज कंपेनियंस टू गो ऑन मैस्टर वॉयज। वो अपने साथियों के साथ रहस्यमय यात्रा पर, मैस्टर वॉयज पर जाने के लिए घर छोड़ देता है। ही बिलीव्स दैट ओल्ड इज नॉट एन एज ऑफ रेस्ट। वो मानता है कि ओल्ड एज, वृद्धावस्था जो है, रेस्ट की अवस्था नहीं है। ऑनर कैन नॉट बी अर्न थ्रू हार्ड लेबर। ऑनर कैन बी अर्न थ्रू हार्ड लेबर इवन इन ओल्ड एज। सम्मान जो है वृद्धावस्था में भी परिश्रम करके, मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है। आगे वो लिखता भी है, कम फ्रेंड्स टिश नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। बहुत ही मोटिवेशनल लाइनें हैं। कम फ्रेंड टिश नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। नो डाउट टाइम एंड फेट हैव मेड देम फिजिकली वीक। इसमें कोई संदेह नहीं कि समय है और किस्मत ने उनको कमजोर कर दिया है। दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल। उनके पास अनंत संघर्ष रहा है एंड अनसप्रेसेबल डिजायर। जो महत्वपूर्ण लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। साथियों ये लाइनें बहुत पूछी जाती हैं, टू स्ट्राइव टू सीक एंड टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। स्ट्राइव संघर्ष करो, तलाश करो, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और समर्पण मत करिएगा। द पोएम शोज द हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसेज एंड हिज कंपेनियन। जो पोएम है वो हीरोइक टेम्परामेंट को दर्शाती है, यूलिसेज और उनके साथियों को। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, और कमेंट में करके बताइए कि आप और किन बिंदुओं पर कुछ जानकारी चाहते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।